एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्षमाशील और धैर्यशील होना चाहिए। सभा में सभी व्यक्ति शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। वह अपनी बातों से बहुत बुरा भला कहता रहा बुद्ध को, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और फिर वहां से भला बुरा कहते हुए चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ, तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत पछतावा हुआ। वो पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया, पर बुद्ध वहां नहीं थे। बुद्ध किसी अन्य गांव में उपदेश देने के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आ गया और तुम अभी तक वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम अपने आज में प्रवेश करो, भूत की बातें नहीं सुनो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग किया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर रख हाथ आशीष भी दिया। उस दिन से उसमें बहुत परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। बहुत बार हम भी अपने भूत में की गई गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ करना चाहिए। अगर आप भी कोई गलती कर देते हैं तो उसे तुरंत क्षमा याचना कर लीजिए। जब आप क्षमा कर लेते हैं या क्षमा याचना कर लेते हैं तो वह आपके अंदर से उसका दुख निकल जाता है। फिर आपको उसका दुख नहीं रह जाता और आप अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर कोई भी गलती हो जा रही है तो हमें तुरंत ही उसका क्षमा याचन कर लेना चाहिए। और ऐसे ही केवल आपसे ही नहीं, दूसरों से भी गलती हो जाती है और कोई आपका दिल दुखा देता है तो ऐसे में उसे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर उसके प्रति क्रोध हमेशा रहेगा, जिससे हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को और हमारे जीवन पे उसका असर पड़ेगा। इसलिए अगर कोई भी आपका दिल दुखाता है तो तुरंत उसे क्षमा कर दें और आगे बढ़ जाएं अपने जीवन में। उसका उसके बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं होना कि वो मेरे बारे में क्या बोला। ये लोग कभी भी आपके साथ नहीं रहेंगे, कोई जिंदगी भर साथ नहीं रहता है, तो किसी की बातों को बुरा नहीं मानते हैं। सबका अपना देखने का नज़रिया होता है, जो जैसा होता है वो सारी दुनिया को वैसा ही सोचता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की बातों को लेकर नहीं ढोना चाहिए, बल्कि क्षमा करके आगे बढ़ जाना चाहिए।